सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैटकेम क्लासेस में। तो आइए केमिकल काइनेटिक्स को कंटिन्यू करते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ रहे थे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में भी हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ देख लिया था, लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या था और हाफ लाइफ कैसे आया था वो भी हमने देख लिया था। तो उसको एक बार एक मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिएगा भाई, हमने लाइफ टाइम अगर रिएक्शन हमारे पास ए से बी दी हो, ओके, और रिएक्शन हमारे पास क्या दी हो, किसी और स्टोइकोमेट्री से दी हो, बी दी हो, तो इसके लिए लाइफ टाइम क्या आया था? लाइफ टाइम आया था इसके लिए इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एन वन के आया था, ओके। और हाफ लाइफ क्या होगा? हाफ लाइफ इसका हाफ होगा, मतलब ए नॉट डिवाइडेड बाय टू एन वन के होगा, ओके। अगर रिएक्शन इसको मैं एन वन कर देता हूं, इसको एन वन ए से बी, ओके, और ये ए से बी हो जाएगा। अगर हमारे पास स्टोइकोमेट्री एक है तो इस केस में क्या हो जाएगा? हाफ लाइफ हो जाएगा ए नॉट अपॉन ये ए नॉट अपॉन के, और यहां पे हाफ लाइफ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए नॉट अपॉन टू के हो जाएगा। तो इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना। अगर रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री एक से ज्यादा है तो यहां पे आपको स्टोइकोमेट्री मेंशन करना ही करना है, ओके। और यहां पे जो है, अगर स्टोइकोमेट्री एक है तो हमें एक रख देना स्टोइकोमेट्री, ओके। अब देखिए, अब ये हमें कब लगाना है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला तब लगाना है जब स्टोइकोमेट्री एक से ज्यादा हो। अगर स्टोइकोमेट्री एक है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, या फिर रिएक्शन में स्टोइकोमेट्री मेंशन ही ना करे, ओके, स्टोइकोमेट्री मेंशन ही ना करे, सिर्फ कह दे फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा कुछ लिख दे। इसके आगे आपको जो भी कैलकुलेट करवाना है लिख दे, रिएक्शन ना लिखे, ऐसा कोई ए से बी या फिर एन टू ए से बी थ्री ए से बी रिएक्शन ना लिखे। तो उस केस में भी हमें मान लेना है कि इसकी स्टोइकोमेट्री कितनी है, एक है, गॉट इट। तो ये दो केसेस आपको ध्यान रखने, दो तीन जो भी हैं। तो आइए एक आध एग्जांपल करते हैं हाफ लाइफ से रिलेटेड। तो दिया हुआ भाई, द हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी इज 10 सेकेंड, व्हेन द कंसंट्रेशन इज डबल्ड, व्हाट विल बी द हाफ लाइफ, ओके। तो मतलब इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि एक कंडीशन है कि एक टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन को मैं ए ले लेता हूं, ओके, तो इस समय हाफ लाइफ कितना है? इस समय हाफ लाइफ है 10 सेकंड, ओके। तो अगर हम कंसंट्रेशन को डबल कर दें, अब जो ए की कंसंट्रेशन है ए नॉट, अगर मैं ए नॉट को अब डबल कर दूं, मतलब 2a कर दूं, तो इस केस में हाफ लाइफ हमारे पास क्या होगा? इस केस में हमारे पास हाफ लाइफ क्या होगा यहां पे? तो इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं भाई, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं कैसे? तो देखिएगा भाई, हमने यहां पे देखा है कि टी हाफ क्या होता है, हमने यहां पे देखा टी हाफ इज इक्वल टू, इसमें रिएक्शन मेंशन है, ए से बी रिएक्शन मेंशन है, देखिए स्टोइकोमेट्री एक दिया हुआ है हमारे पास, ओके, ना भी दिया होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हाफ लाइफ क्या था? इसके लिए हाफ लाइफ था ए नॉट अपॉन टू के है, ओके। अब देखिएगा, अब ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, के क्या है, रेट कांस्टेंट है, के क्या है, रेट कांस्टेंट है, और वो रिएक्शन के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ओके। तो यहां पे मान लीजिए, यहां पे मान लीजिए कि अगर मैं क्या काम करता हूं कि मैं यहां पे मैं एक पर्टिकुलर कंडीशन लेता हूं और वहां पे मैं हाफ लाइफ रखता हूं, इसको मैं ले लेता हूं टी हाफ वन, और इस समय कंसंट्रेशन कितनी है ए नॉट की, ये भी वन है, ओके, ए नॉट की कंसंट्रेशन भी कितनी है भाई, ये वन है, या फिर मैं ऐसे इसको कर दूं, ब्रैकेट में बंद कर दूं, ये कंसंट्रेशन 1 है, तो उस समय भी हाफ लाइफ क्या होगा, 2k होगा, क्यों? क्योंकि ये रेट कांस्टेंट का कंसंट्रेशन से तो कोई मतलब है नहीं। और अगर मैं और कोई कंसंट्रेशन लेता हूं तो उस समय मैं हाफ लाइफ लेता हूं, इसको मैं 2 कर देता हूं, और यहां पे भी क्या हो जाएगा, a नॉट 2 अपॉन 2k हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूं, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लूं। अब मैं क्या काम करूं, 1 को 2 से डिवाइड कर दूं, 1 को 2 से डिवाइड कर दूं या 2 को 1 से डिवाइड कर दूं, तो मैं यहां पे वही करने जा रहा हूं, मैं इक्वेशन 2 में मैं डिवीजन किसका कर दे रहा हूं, इक्वेशन 1 का। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 क्या है, टी हाफ 2 अपॉन टी हाफ 1 इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, ए नॉट 2 अपॉन ए नॉट 1 हो जाएगा। पूछिए क्यों, क्योंकि k से k, 2k से 2k क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां पे हमारे पास ये आ जाएगा।
तो यहाँ पे हमें भी पता है कि जो हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, कंसंट्रेशन का। तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। अब हमारे पास डेटा जो भी दिया हुआ हम उसको पुट कर देते हैं। तो हमारे पास डेटा क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है टी हाफ टू हमें पता करना है, टी हाफ टू पता करना है, टी हाफ वन है कितना, तो ये है 10 सेकेंड, ओके इज इक्वल टू। दूसरी कंसंट्रेशन कितनी है, जब कंसंट्रेशन को हम डबल कर रहे हैं मतलब मैं कंसंट्रेशन को 2a रख रहा हूं और इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है a है, इसको जब करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या t हाफ 2 इज इक्वल टू 2 × 10 सेकेंड बचेगा। क्या बचेगा 2 × 10 सेकेंड या फिर कितना हो जाएगा 20 सेकेंड हो जाएगा। तो इसको तो हमने ऐसे मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया भाई इस इक्वेशन से। अब सिंपली आप देखिए हमें पता है कि टी हाफ क्या है भाई, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है ए नॉट के, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नॉट के जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ऐसा हमें कब मिला, जब हम ऑर्डर को भी पढ़ रहे थे तो क्या चल रहा था कि जितना आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना ऑर्डर बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से यहां पे भी अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नॉट के तो जितना आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतने टाइम से टी हाफ भी बढ़ जाएगा। ओके, अगर आपने कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है, अगर आपने कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है तो टी हाफ कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर आपने कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया है तो टी हाफ भी क्या हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा। आप कंसंट्रेशन को 3 times बढ़ा दीजिए, 3 times बढ़ा दीजिए तो टी हाफ भी क्या हो जाएगा, टी हाफ भी 3 times बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजिली यहां पर कर लोगे। ओके, नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज 8 मिनट इफ 0.4 मोल पर लीटर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज टेकन, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 10 मिनट्स। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के आप इस पार्ट को समझिए, इस पार्ट को समझिए। ओके, और पहली बात तो यह है कि इसमें सिर्फ क्या मेंशन किया है कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यहां पे कोई रिएक्शन नहीं लिख के दिया, स्टोइकोमेट्री लिख के नहीं दिया है। तो हमें रिएक्शन कौन सी माननी है, पहले तो हमें रिएक्शन माननी है ए टू बी। ओके, क्यों, क्योंकि इसमें रिएक्शन मेंशन नहीं है। अब इसके बाद दिया है इफ 0.4 मोल पर लीटर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज टेकन, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 10 मिनट्स। तो ये सिंपल सी बात है भाई कि हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया है, हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है 0.4 मोल पर लीटर। ओके, और हमारे पास क्या दिया है, फाइनल कंसंट्रेशन दिया है एट टाइम टी पे, सॉरी, और हमारे पास यहां पे टाइम दिया है कितना, टाइम दिया है 10 मिनट, और हमसे क्या पूछ रहा है, 8t यहां पे पूछ रहा है कि 10 मिनट बाद कंसंट्रेशन क्या होगी अगर हम शुरू में 0.4 मोल पर लीटर की कंसंट्रेशन लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है at इज इक्वल टू ए नॉट माइनस kt, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास कंसंट्रेशन है टाइम टी पता करने के लिए। लेकिन यहां पे क्या है हमारे पास, ये हमें पता करना है, ये पता करना है, ये हमें दिया हुआ है, टी भी हमें दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास रेट कॉन्स्टेंट नहीं है। देखिए इसमें कहीं रेट कॉन्स्टेंट मेंशन नहीं है तो हम at अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टिल हम रेट कांस्टेंट हमें पहले पता करना होगा। तो रेट कांस्टेंट पता करने के लिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट पता करने के लिए हमारे पास हाफ लाइफ दिया हुआ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ दिया है। तो हम हाफ लाइफ के थ्रू क्या कैलकुलेट कर लेंगे, टी हाफ कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ गए आप। तो टी हाफ का डेटा दिया ताकि हम के को कैलकुलेट कर ले और ये एक्सप्रेशन लगा के हम ए टी कैलकुलेट कर ले। तो आइए हम भाई वही काम करते हैं जो हमें क्वेश्चन कह रहा है। तो यही क्वेश्चन का अप्रोच है भाई, शुरू में डेटा देखिए, पहले देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, वहां पे देखिए आपको किस किस चीज की जरूरत है। अगर वहां पे कुछ नहीं मिल रहा है जो आपसे पूछ रहा है, उसमें आप कोई चीज मिसिंग है, तो उसके लिए आप फर्दर डेटा देखिए कि जो चीज मिसिंग है उसको हम कहां से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन था, हमें हाफ लाइफ दिया हुआ है तो वहां से हमें रेट कॉन्स्टेंट डिटरमाइन करना है यहाँ पे। तो देखिएगा भाई हाफ लाइफ क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू रिएक्शन हमें यही लेनी है ए से बी, तो टी हाफ इसके लिए क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2k हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2k हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास टी हाफ दिया, हमें k कैलकुलेट करना है, तो k कितना हो जाएगा, k हो जाएगा 2 × t half / a0 हो जाएगा, सॉरी k क्या हो जाएगा, k हो जाएगा a नॉट अपॉन 2 t half हो जाएगा, क्यों, क्योंकि k इधर चला जाएगा, t half इधर आ जाएगा।
तो हमारे पास ए नॉट की कितनी वैल्यू दी हुई है, ए नॉट की वैल्यू दी हुई 0.4 मोल पर लीटर डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी हाफ कितना दिया हुआ है, टी हाफ दिया हुआ है 8 मिनट दिया हुआ है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 16। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.025 ओके मोल पर लीटर पर मिनट आ जाएगा। मोल पर लीटर है ही, नीचे मिनट है, इनवर्स जाके मोल पर लीटर पर मिनट हो जाएगा, और यही रेट कांस्टेंट की यूनिट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अब हमारे पास इस डेटा से हमारे पास रेट कांस्टेंट भी आ गया है, हमें इनिशियल कंसंट्रेशन पता है, टाइम पता, अब हम एटी को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट इट? तो देखिएगा भाई यहां पे, तो यहां पे जो है भाई, यहां पे अगर हमारे पास मान लीजिए अब हमें एटी कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ए नॉट माइनस के टी कर दूंगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए नॉट कितना दिया हुआ है, ए नॉट दिया हुआ है 0.4 मोल पर लीटर माइनस के की कितनी वैल्यू है 0.25 मोल पर लीटर पर मिनट दिया हुआ है, और टाइम कितने देर बाद पूछ रहा है, तो 10 मिनट बाद कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो यहां पे हो जाएगा 10 मिनट। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, 0.4 मोल पर लीटर माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा, सॉरी ये 0.025 है, 0.025 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.25, मिनट से मिनट कैंसिल, बचेगा मोल पर लीटर। तो यहां पे क्या होगा भाई, 0.4 में से 0.25 जाएगा, कितना बचेगा 0.15 मोल पर लीटर, ये AT की कंसंट्रेशन हमारे पास आ जाएगी। मतलब 10 मिनट बाद कितनी कंसंट्रेशन बचेगी, इतनी कंसंट्रेशन बचेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कॉमन है, जहां से आपको पहले रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करवाएगा हाफ लाइफ देके या कोई भी लाइफ टाइम देके, उसके बाद आपसे क्या कैलकुलेट करवाएगा, एट टाइम टी पे कंसंट्रेशन। ओके, देखिए भाई कुछ चीजें मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं एकदम आराम से पढ़ाता हूं, ठीक है, हो सकता है किसी को स्लो लगे तो आप लेक्चर की स्पीड बढ़ा लिया करो, लेकिन मैं ऐसे ही आराम से पढ़ाता चलूंगा। ओके, मुझे शांति पसंद है, आराम से चलना पसंद है, जल्दीबाजी मुझे पसंद है नहीं। ओके, तो और मैं कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं, चाहे छोटी कैलकुलेशन चाहे बड़ी कैलकुलेशन हो, मैं उसको करवाऊंगा। यूनिट्स जहां कटेंगी मैं वहां यूनिट्स काटूंगा, ताकि आपको आदत पड़ जाए, आपको आदत पड़ जाए। ओके, तो फ्यूचर में आपके लिए उपयोगी होगा। ओके, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट दिया हुआ है, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज 8 मिनट। ओके, इफ जीरो पॉइंट, ओके ओके यही क्वेश्चन था। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 1 मोल पर लीटर, ओके, व्हिच रीचेज टू 0.6 मोल पर लीटर इन 5 मिनट्स, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन आफ्टर 10 मिनट्स। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछ क्या क्या लिया है, ये काफी चीजें पूछ रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि भैया ठीक है, एक हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है ए नॉट, कितना है 1 मोल पर लीटर है, ओके, और साथ ही साथ हमें क्या दिया हुआ है कि ये कितना हो जाता है 0.6 मोल पर लीटर हो जाता है, कब, जब टाइम कितना होता है हमारे पास 5 मिनट होता है। पहला केस तो ये दिया है कि भैया 1 मोल पर लीटर है कंसंट्रेशन, और वो 5 मिनट में कहां पहुंच जाता है, 0.6 मोल पर लीटर पे पहुंच जाता है, रीचेज मतलब पहुंचना। ओके, तो बोला है कि व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट बाद की क्या कंसंट्रेशन होगी। तो ये केस 1 है, ये हमारे पास दो केस दिया हुआ है, केस 1 दिया हुआ है जहां पे ये बात ये बता रहा है। दूसरे केस में क्या कह रहा है कि भाई ठीक है, यही रिएक्शन है जो शुरू हुई थी 1.0 मोल पर लीटर से ही, ओके, और यहां पे भी टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, 10 मिनट में कहां पहुंचेगी अब बताइए, ये हमें अब यहां पे 80 हमें पूछा हुआ है। तो आप क्वेश्चन के प्रसंग को समझ गए हैं, ये चीजें हमें दी हुई हैं कि 1 मोल से 0.6 मोल पहुंचता है 5 मिनट में, तो आप बताइए 1 मोल लिया हुआ है तो 10 मिनट में कहां पहुंचेगा। ओके, तो हमें पूछा है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन हमारे पास ये है जो हमें सॉल्व करना है। तो जब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी है, क्यों, क्योंकि यहां पर रिएक्शन मेंशन नहीं किया, तो हम रिएक्शन कौन सा लेके चलेंगे, हम रिएक्शन लेके चलेंगे ए से बी वाला। तो यहां पे भी हमारे पास ए टी पूछा हुआ है,
ए नॉट हमें दिया हुआ है, ए नॉट हमें दिया हुआ है, टी हमें दिया हुआ है, के की वैल्यू हमें यहां पे नहीं दिया है, के की वैल्यू हमें क्या किया यहां पे नहीं दिया है। तो हम के की वैल्यू अब कैसे पता करेंगे, तो के की वैल्यू हम कहां से पता कर सकते हैं, के की वैल्यू हम यहां से पता कर सकते हैं। तो यहां पे भी एक सेट ऑफ डेटा दिया हुआ हमें जहां से हमें के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहां से, और दूसरा सेट जहां पे हमें के की वैल्यू को अप्लाई करना है। तो ये है सिंपल सा क्वेश्चन, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम यहां से के की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पे क्या होगा, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी होगा, भाई यही लगाना पड़ेगा। तो ए टी कितना दिया हुआ है, 0.6 मोल पर लीटर दिया हुआ है, एटी कितना दिया हुआ है, 1.0 मोल पर लीटर दिया हुआ है, माइनस के हमें कैलकुलेट करना है, और टी कितना दिया है, टी दिया हुआ है 5 मिनट दिया हुआ है, कितना दिया 5 मिनट दिया हुआ है। तो मैं इसको इधर ले आ दूं, इसको इधर ले आ दूं, तो ये क्या हो जाएगा, के इनटू 5 मिनट इज इक्वल टू 1.0 माइनस 0.6 मोल पर लीटर, है ना, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा के इनटू 5 मिनट इज इक्वल टू, ये बचेगा 0.4 मोल पर लीटर। तो यहां से के की क्या वैल्यू हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी 0.4 मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय 5 मिनट। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8, तो ये बचेगा 0.08 मोल पर लीटर, और ये पर मिनट। तो हमारे पास कितना हो गया भाई, हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू यहां पे आ गई है 0.08 मोल पर लीटर पर मिनट। अब हम इसको यहां पे लगा सकते हैं, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे हमें दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि भाई ये 10 मिनट में कहां पहुंचेगा, तो हम पहुंचाते हैं भाई इसको 10 मिनट में। तो देखिए यहां पे भी हमारे पास यही एक्सप्रेशन है, at is equal to a naught minus kt, तो हमें at ही पता करना है, कहां पे, अब 10 मिनट में पता करना है। तो a naught कितना था, a naught तो हमारे पास यही था 0.1 मोल पर लीटर, माइनस k की अब वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, k की वैल्यू कितनी है 0.08 मोल पर लीटर पर मिनट है, ओके। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 10 मिनट दिया हुआ है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एटी हो जाएगा 1.0 मोल पर लीटर माइनस, अब ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 0.8, मिनट से मिनट कैंसिल, ये हो जाएगा मोल पर लीटर। अब हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एटी बराबर 0.2 मोल पर लीटर। तो 5 मिनट बाद हमारे पास 0.6 हो रहा है, तो 10 मिनट बाद कितना होगा, 0.2 मोल पर लीटर हो जाएगा, ओके। तो जहां पे हमने अभी देखिए, हमने दो क्वेश्चन किए, दो प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए, एक ये प्रॉब्लम था और हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम कौन सा था, ये वाला हमने अभी सॉल्व किया था। तो इन दोनों में क्या कॉमन है कि दोनों में हमसे क्या पूछ रहा है, at पूछ रहा है एक सर्टेन टाइम पे, लेकिन दोनों में रेट कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दिया है, और वो रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए उसने एक सेट ऑफ डेटा दे रखा है। यहां पे डेटा दे रखा है हाफ लाइफ का, हम यहां से k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरे वाले में हमें क्या दे रखा है, एक कंसंट्रेशन के टर्म सारे दे रखे हैं, जहां से हम यहां से k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और यहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए भाई, ये तो रहा हमारे पास मैथमेटिकल तरीका, हम दोनों क्वेश्चंस के लिए, दोनों प्रॉब्लम्स के लिए, कि मैथमेटिकल तरीके से हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम क्वेश्चन को भाई ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, हमें इतनी मैथमेटिक्स करने की जरूरत है नहीं, सिंपल यूनिटरी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। देखिए कैसे, अभी अगर मैं बात करूं आपसे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस चलती कैसे है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस चलती कैसे हैं, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस चलती हैं लीनियरली। लीनियरली का क्या मतलब है, तो देखिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ले रखा है, एक रिएक्शन ले रखी है, अभी मैं बात कर रहा हूँ ए से लेकर बी के लिए या किसी के लिए भी, किसी भी रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, कोई भी स्टोइकोमेट्री उसके लिए भी सही है, मैंने ए नॉट ले रखी है, ए से 10 मोल मैंने ले रखा है, ठीक है, क्या ले रखा है, 10 मोल ले रखा है। तो 10 मोल जब मैंने ले लिया है, तो बोला है कि 2 मिनट में वो क्या हो जाता है, 9 मोल हो जाता है,
दो मिनट में क्या हो जाता है, 9 मोल पहुंच जाता है। फिर से सुनिए, हमने ए नोट लिया शुरू में कितना, 10 मोल हमने ले लिया है। फिर पता क्या चलता है कि भैया 2 मिनट समय बीता और कंसंट्रेशन एट टाइम टू पे क्या पहुंच गई है, तो ये पहुंच गई है 9 मोल पहुंच गई है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ ले, क्वेश्चन ये पूछ ले कि भैया ठीक है ये अगले 2 मिनट में कहां पहुंचेगी, अगले 2 मिनट में कहां पहुंचेगी, मतलब शुरू से लेके 4 मिनट में ये कहां पहुंचेगा, शुरू से लेके 4 मिनट में ये कहां पहुंचेगा। और यही क्वेश्चन था, ये पिछला वाला क्वेश्चन यही था, पिछला वाला क्वेश्चन यही था कि भैया 5 मिनट में ये यहां पहुंच रहा है 0.6 मोल, तो 10 मिनट में कहां पहुंचेगा। गॉट इट। तो ऐसा ही कुछ हमारे पास एग्जांपल ये भी है, 2 मिनट में इतना पहुंच रहा है, तो अगले 2 मिनट में या फिर टोटल 4 मिनट में रिएक्शन शुरू से कहां पहुंचेगा। तो देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की ये खूबी होती है कि पहले आप यहां पे कैलकुलेट कर लो कि ये शुरू के 2 मिनट में कितना कंज्यूम हुआ है। तो अगर मैं ये शुरू का 2 मिनट लेता हूं यहां पे, अगर मैं यहां पे शुरू का ये 2 मिनट ले लूं, तो यहां पे रिएक्शन कंज्यूम कितना हुआ है, तो यहां पे देखिए 10 मोल था और ये पहुंच कहां गया है, 9 मोल पे पहुंच गया है, तो ये कंज्यूम कितना हुआ है, 1 मोल कंज्यूम हुआ है। कितना कंज्यूम हुआ है, 1 मोल कंज्यूम हुआ है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर ये 2 मिनट में 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, तो रिएक्शन के किसी भी टाइम का अगर हम 2 मिनट ले लेंगे, तो उसमें 2 मोल 1 मोल ही कंज्यूम होगा। समझे आप, जैसे ये 1 मोल यहां पे कंज्यूम हुआ है, तो अगले 2 मिनट में भी क्या होगा, ये 1 मोल ही कंज्यूम होगा। और ये कहां पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा 8 मोल में पहुंच जाएगा। फिर अगले 2 मिनट में क्या होगा, अगले 2 मिनट में फिर से 7 मोल पे पहुंच जाएगा। फिर अगले 2 मिनट में क्या होगा, अगले 2 मिनट में ये 6 मोल पे पहुंच जाएगा। फिर अगले 2 मिनट में ये 5 मोल पे पहुंच जाएगा। मतलब फिक्स है इसका, अगर इसने 2 मिनट में 1 मोल रिएक्ट कर रहा है ये, तो ये किसी भी 2 मिनट में 1 मोल ही रिएक्ट करेगा। गॉट इट। तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे ऐसे पूछ दे कि भैया ठीक है, यहां पे हमने 10 मोल ले लिया है, 10 मोल ले लिया है, ओके, और हमसे क्या बोल दे कि भैया ये 2 मिनट में कितना हो जा रहा है, 9 मोल हो जा रहा है, 9 मोल हो जा रहा है, तो यहां से अगले 5 सेकंड में, या 5 सेकंड क्या, 6 सेकंड में, यहां से अगले 6 सेकंड में, 6 मिनट में, सॉरी, ये अगले 6 मिनट में कहां पहुंचेगा, 2 मिनट में 10 मोल से 9 मोल पहुंच गया, तो 6 मिनट में कहां पहुंचेगा। तो आप यहां से सीधा कैलकुलेट कर लो, 2 मिनट में कितना कंज्यूम हुआ है, 1 मोल कंज्यूम हुआ है, ओके, 2 मिनट में 1 मोल कंज्यूम हुआ है, तो यहां पे 10 है, तो यहां 2 मिनट में कहां पहुंचेगा, ये 9 पहुंचा है, तो अगले 2 में कहां पहुंचेगा, ये 8 पहुंचेगा, अगले 2 में कहां पहुंचेगा, ये 7 पहुंचेगा, और अगले 2 मिनट में कहां पहुंचेगा, ये 6 पे पहुंच जाएगा। तो 2, 2, 4, 2, 6 मिनट बाद ये कितना होगा, 6 मोल पे पहुंच जाएगा। गॉट इट। ये बात रही है, या फिर आप इसको सिंपली ऐसे कैलकुलेट कर लो, सिंपली ऐसे कि भैया ठीक है, कोई भी नंबर ऑफ मोल हमारे पास रहा हो, 10 मोल रहा हो, ओके, 10 मोल सही है, मान लो मैं कह देता हूं कि 5 मिनट में ये, 5 मिनट में ये पहुंच जाता है 8 मोल पे। 10 मोल हमने ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन ले रखी है, मोल लिखो या मोल पर लीटर लिखो, एक ही बात है, ओके, मतलब एग्जांपल में कोई दिक्कत नहीं, कंसंट्रेशन ये दोनों अमाउंट ही है, और यहां पे ये पहुंच जाता है 5 मिनट में 8 मोल पे, तो आपसे बोले कि ये अगले कहां भाई, 5 मिनट हो गया, अगले 20 मिनट में ये रिएक्शन कहां पहुंचेगी, या शुरू से लेकर कितना टाइम हो जाएगा, ये 25 मिनट में रिएक्शन कहां पहुंचेगी, यहां से 20 मिनट, या फिर शुरू से ये 25 मिनट में रिएक्शन कहां पहुंचेंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, तो देखो भाई, 5 मिनट में ये 5 मिनट में कितना कंज्यूम हो रहा है, 5 मिनट में कितना कंज्यूम हो रहा है, तो 10 मोल से 2 मोल गया, कितना कंज्यूम हुआ, यहाँ पे 2 मोल कंज्यूम हुआ है, है ना, 10 मोल था, 5 मिनट में 8 मोल हो गया, तो कितना रिएक्ट किया है, 2 मोल रिएक्ट किया है। तो आप सीधा लिखो, 5 मिनट में कितना रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, 5 मिनट में 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो ये 1 मिनट में कितना रिएक्ट करेगा, 1 मिनट में रिएक्ट करेगा 2/5 मोल रिएक्ट करेगा। तो आपको कितना टाइम चाहिए, 25 मिनट पूछा है, तो आप 25 मिनट बाद कैलकुलेट कर लो, 25 मिनट में कहां पहुंचेगा, ये 2/5 × 25, तो मतलब ये कितना रिएक्ट कर जाएगा, ये 10 मोल रिएक्ट कर जाएगा, ये क्या है, ये अमाउंट रिएक्ट हो रहा है, तो 5 × 25, 5 × 10 हो रहा है, ओके, तो
25 मिनट में ये रिएक्शन का पूरा 10 का 10 मोल कंज्यूम हो जाएगा, मतलब 10 मोल लिया था हमने और सारा का सारा रिएक्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे जीरो बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो बचेगा, सब कुछ कंज्यूम हो जाएगा। क्यों? तो देखिए भाई यहाँ पे देखिएगा हमने लिया यहाँ पे 10 मोल, यहाँ पे हमने 5 मिनट दिया, ये कितना हो जाएगा 8, फिर हमने 5 मिनट दिया 6 हो जाएगा, फिर हमने 5 मिनट दिया 4 हो जाएगा, फिर हमने 5 मिनट दिया 2 हो जाएगा, फिर ये अगले 5 मिनट में ये 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो कितना टाइम हो गया, 5 10 15 20 और 25 मिनट में ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन लीनियरली चलता है, किसी भी टाइम में कितना कंज्यूम हो आप वहां से कैलकुलेट कर लो कि एक मिनट में कितना कंज्यूम होगा और वहां से आप सारी चीजें कैलकुलेट कर लोगे। जैसे आ जाओ पिछले एग्जांपल्स पे आ जाओ, जैसे हमने यहां पे किया, जैसे ये एग्जांपल है, मैं इसको यहां पे थोड़ा मिटा दे रहा हूं, आपने नोट्स तो बनाए लिए होंगे, लिखे लिए होंगे, तो ये क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को हम ओरली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये तो मैथमेटिकल तरीका है ही। यहां पे देखिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए हमें दिया, हमें रेट कांस्टेंट से मतलब नहीं, यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, रिएक्शन में, रिएक्शन में हमें क्या दिया हुआ है, ए नॉट दिया हुआ है, ए नॉट कितना दिया हुआ है भाई, 1.0 मोल पर लीटर दिया हुआ है, और ये कहां पहुंच जाता है 5 मिनट में, ये 5 मिनट में पहुंच जाता है 0.6 मोल पर लीटर पे पहुंच जाता है। तो पूछा क्या है कि ये 10 मिनट में कहां पहुंचेगा, मतलब यहां से ये 10 मिनट में कहां पहुंचेगा, मतलब यहां से 10 मिनट का मतलब यहां से और 5 मिनट, शुरू से 10 मिनट मतलब 5 मिनट में यहां पहुंचा है, तो अगले 5 मिनट में कहां पहुंचेगा, ये शुरू से 10 मिनट में ये कहां पहुंचेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। इस क्वेश्चन को हम ओरली सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए भाई यहां पे कितना रेट कितना किया है, यहां से यहां जब गया है तो कितना रेट किया है, एक में से गया तो ये बचा है 0.4 मोल पर लीटर, ओके। तो ये क्या कर रहा है भाई, 5 मिनट में, 5 मिनट में कितना कंज्यूम हो रहा है, 5 मिनट में कंज्यूम हो रहा है 5 मिनट में कितना कंज्यूम हो रहा है 0.4 मोल पर लीटर, ये रिएक्ट कर रहा है, इतना मोल पर लीटर रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि तो एक मोल था 0.6 मोल बचा है, कितना रिएक्ट करेगा 0.4 मोल, तो 5 मिनट में इतना रिएक्ट कर रहा है, तो एक मिनट में कितना रिएक्ट करेगा, एक मिनट में रिएक्ट करेगा ये 0.4 अपॉन 5 मोल पर लीटर रिएक्ट कर जाएगा। तो हमसे कितना पूछ रहा है, शुरू से 10 मिनट में, शुरू से 10 मिनट में पूछ रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 10 मिनट में कितना रिएक्ट करेगा, 10 मिनट में रिएक्ट करेगा 0.4 अपॉन 5 गुणे 10, तो ये कितना रिएक्ट कर जाएगा, ये रिएक्ट कर जाएगा 0.8 मोल पर लीटर, इतना तो ये रिएक्ट कर जाएगा, इतना रिएक्ट कर जाएगा। तो लिया कितना था हमें, लिया था एक मोल, 0.8 रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना, ये बचेगा कितना, तो 1.0 माइनस 0.8 बराबर 0.2 मोल पर लीटर। तो ये मतलब है लीनियरिटी का, ये लीनियर चलेगा, जितना एक मिनट में जितना रिएक्ट करेगा तो पूरे टाइम उतना ही रहेगा, कोई भी आप टाइम फ्रेम ले लो, जैसे मान लो रिएक्शन 1 घंटे चली, ठीक है, रिएक्शन 1 घंटे चली, यहां पे रिएक्शन 1 घंटे चली, और हमें ये पता है कि ये भाई जीरो है और ये है मेरे पास 60 मिनट। तो अगर मैं यहां पे ले लूं कि ये जो टाइम गैप कितना है, 1 मिनट, इस टाइम गैप 1 मिनट में अगर ये एक्स मोल कंज्यूम हो रहा है, तो मैं कहीं भी बीच का 1 मिनट ले लूं, मैं यहां पे भी अगर 1 मिनट, इस 1 मिनट में भी देखूंगा तो कितना कंज्यूम होगा, एक्स मोल ही रिएक्ट करेगा, किसी भी 1 मिनट में ले लूं उतना ही रिएक्ट करेगा, ये कांस्टेंट रहता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्यों कांस्टेंट रहता है, क्यों, क्योंकि जीरो ऑर्डर का रेट ही कांस्टेंट रहता है, रेट चेंज नहीं होता टाइम के साथ, क्यों, क्योंकि रेट क्या है, रेट है हमारे पास के ए की पावर जीरो, या फिर रेट क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, तो रेट कांस्टेंट है, तो जो रिएक्शन की रेट है वो चेंज ही नहीं होगी, किसी भी टाइम पे वो चेंज नहीं होगी, तो इसलिए किसी भी टाइम पे अगर 1 मिनट में जितना रेट कर रहा है, तो वो कोई भी आप टाइम में किसी भी बीच, कहीं भी किसी भी टाइम के बीच का अगर आप 1 मिनट ले लो, तो कितना रिएक्ट करेगा, उतना ही रिएक्ट करेगा। अगर आपको पता है कि 1 मिनट में कितना रिएक्ट करेगा, तो जितने मिनट का पूछे उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। गॉट इट, तो ये बात हम यहां पे समझ गए हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को मैं मैथमेटिकली सॉल्व किया था, इसको हम ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, अब देखिए दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 0.4 मोल पर लीटर दिया गया इंसुलिन कंसंट्रेशन
व्हाट विल द कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 10 मिनट्स ओके अब इस क्वेश्चन को देखिए हमारे पास ए नॉट कितना था ए नॉट था हमारे पास 0.4 मोल पर लीटर था यहाँ ओके और हमारे पास सीधा क्या दिया है टाइम दिया है 10 मिनट दिया है तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए हमें रेट कॉन्स्टेंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा क्यों क्योंकि हमें वो नहीं बताया है कि कितने टाइम में कितना कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे हमें रेट कॉन्स्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा इसको हम ओवरली करेंगे तो दिक्कत होगी बाकी हमें मतलब पता चलना चाहिए किस टाइम लिमिट में क्या हमारे पास हो रहा है कंज्यूम तो यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करेंगे तब हम यहाँ पे ए टी लगाएंगे ए नॉट माइनस के टी तब यहाँ पे हमारे पास ए टी आएगा क्योंकि हमारे पास कोई फ्लो नहीं है यहाँ पे कहीं बताया जा रहा है कि 5 मिनट में इतना कंज्यूम हो रहा है या 10 मिनट में इतना कंज्यूम हो रहा है 10 मिनट में रिएक्शन यहाँ पहुंची है लेकिन यहाँ पे तो हमें बता दिया था इस क्वेश्चन में हमें बता दिया था सुना नहीं भैया ठीक है ये क्वेश्चन जो है एक मोल से 0.6 मोल पहुंच रहा है 5 मिनट में तो यहाँ हमें पता है कि 5 मिनट में कितना रिएक्ट कर रहा है तो हम वहां से एक मिनट में पता कर सकते हैं गॉट इट ये बात रही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आप इसको ध्यान रखिएगा ठीक है तो यहाँ पे पहले आप एक क्वेश्चन देख लीजिए इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से करिएगा उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा जैसे मान लीजिए हमने ए नॉट ले लिया है कितना ले लिया है हमने 2 मोल पर लीटर हमने ले लिया है ओके तो हमने यहाँ पे भाई 2 मोल पर लीटर से शुरुआत करी और हमें पता चला कि ये जो है 4 मिनट में कहाँ पहुंच जा रहा है तो ये पहुंच जा रहा है 1.8 मोल पर लीटर पे पहुंच जा रहा है तो यहां से ये 30 मिनट बाद कहां पहुंचेगा या फिर ये यहां से कितने टाइम हो जाएगा 30 और 4 34 मिनट बाद 30 मिनट छोड़िए 30 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा यहां से ये 15 मिनट बाद कहां पहुंचेगा 15 मिनट या फिर यहां से ये कितना 19 मिनट बाद कहां पहुंचेगा ये हमें पता करना है तो हमने क्या बोला जीरो ऑर्डर रिएक्शन लीनियर चलती है बिल्कुल सही बात है तो हम यहां पे क्या कर ले हम यहां पे देख रहे हैं कि 2 मोल से ये कहां पहुंच रहा है 1.8 मोल तक कितना रिएक्ट कर गया 0.2 मोल रिएक्ट कर गया है ना 0.2 मोल रिएक्ट कर गया है कितने मिनट में 4 मिनट में तो हमने ये देखा कि भैया ठीक है ये 4 मिनट में कितना रिएक्ट कर रहा है 4 मिनट में रिएक्ट कर रहा है 0.2 मोल ये रिएक्ट कर जा रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 मिनट में कितना रिएक्ट करेगा 1 मिनट में ये 0.2/4 मोल रिएक्ट कर जाएगा या फिर ये कितना हो जाएगा ठीक है इतने पे ही रहने देते हैं तो हमारे पास क्या बोला है कि अगले ये 15 मिनट में कहां पहुंचेगा अगले 15 मिनट में कहां पहुंचेगा मतलब 19 मिनट में तो अगले 19 मिनट में कितना रिएक्ट करेगा तो ये 1 मिनट में इतना कर रहा है तो इसमें 19 का हम मल्टीप्लाई कर दें इतने मोल ये रिएक्ट कर जाएगा तो बचेगा कितना तो हमने 2.0 मोल लिया था पर लीटर कितना रिएक्ट कर गया 19 मिनट में ये रिएक्ट कर गया 0.2/4 × 19 मोल ये इतना बच जाएगा तो यहां पे क्या होगा ये कंसंट्रेशन यहां पे बचेगी गॉट इट ये होता है लिनियरिटी का मतलब तो होप आप इस चीज को समझ गए होंगे अब देखिए अब हमने क्या कर लिया जीरो ऑर्डर में हमने क्या पढ़ लिया हाफ लाइफ पढ़ लिया है लाइफ टाइम पढ़ लिया है और भी बहुत तरीके के टाइम आपसे पूछ सकता है जैसे आपसे पूछ ले T75 ओके T75 या फिर T3/4 पूछ सकता है यह भी एक टाइम लिमिट है जो पूछता है आपसे हो सकता है T90 पूछ ले आपसे हो सकता है T99 पूछ ले तो ये सारी चीजें क्या है ये टाइम लेंथ है हम शुरुआत करते हैं T75 या T3/4 से तो T3/4 का क्या मतलब है कि टाइम इन विच 75% रिएक्टेंट हैज रिएक्टेड ओके या फिर 75% रिएक्शन इज कंप्लीटेड जैसे T50 हमने पढ़ा था तो उसमें क्या था 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई ऐसे ही T75 है जहां पे क्या होगा 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी ओके तो इसके लिए भी हमारे पास क्या है तो देखिएगा भाई अब इसके लिए हमें भी मतलब डिराइव करना है तो कैसे डेरिवेशन करेंगे इसके इक्वेशन के लिए तो देखिएगा
हमारे पास क्या है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस, अब रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, हम एन वन ए से बी ही लेते हैं, रिएक्शन एन वन ए से बी ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा एन वन के टी हो जाएगा। तो अब हमें पता है कि जब टाइम कहां पहुंचेगा, टी थ्री बाई फोर पहुंचेगा, टी थ्री बाई फोर और टी सेवेंटी फाइव। तो अगर टाइम हमारे पास टी सेवेंटी फाइव पहुंच रहा है तो कितना रिएक्ट कर जाएगा, ये 75% रिएक्ट कर जाएगा। तो देखिए भाई 75% रिएक्ट कर जाएगा या फिर कितना रिएक्ट कर जाएगा, 3/4 रिएक्ट कर जाएगा। 75 को हम 3/4 भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, ओके। तो या तो 75% रिएक्ट कर जाए या फिर कितना रिएक्ट कर जाए, 3/4 ये रिएक्ट कर जाए, इतने टाइम इतना रिएक्ट कर जाए। तो बचेगा कितना, बचेगा कितना, बचेगा कितना, तो बचेगा भाई हमारे पास या तो 25% बचेगा या फिर हमारे पास कितना बचेगा, ये 1/4 रिएक्टेंट बचेगा। तो अगर हमने टी 75 लिया है तो जो हमारे पास कंसंट्रेशन है टाइम टी है वो कितना हो जाएगा, वो इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3/4 वो रिएक्ट कर चुका है और 1/4 यहां पे बचा है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, डेरिवेशन में लोग यहां पे इसको 3/4 कर देते हैं, 1/4 नहीं करते हैं। तो भाई 3/4 तो रिएक्ट किया है तो बचेगा कितना, 1/4, सिंपल सी बात है। अब देखिए, अब ये हो गया हमारे पास, बस अब हम डिराइव कर लेंगे। तो हमारे पास यहां पे क्या है, एटी कितना है मेरे पास, ए नॉट बाई फोर है, ओके, इज इक्वल टू ए नॉट ही रहेगा माइनस एन वन के टी ए 75 हो जाएगा, या 3/4 दोनों एक ही चीज है। तो यहां पे हम क्या करें, हम इस वाले टर्म को इधर ले आते हैं, इस वाले टर्म को इधर ले आते हैं, तो ये एन वन के टी 75 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन फोर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एन वन के टी 75 इज इक्वल टू, ये बचेगा ए नॉट बाई फोर, 3a0/4 बचेगा। तो यहां पे टी 75 क्या हो जाएगा, तो टी 75 हो जाएगा 3/4 ए नॉट अपॉन एन वन के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। तो इस टी 75 का आप एक्सप्रेशन याद रखिएगा, टी 75 का एक्सप्रेशन आप याद रखिएगा। और ये हाफ लाइफ से कैसे रिलेटेड है, तो हाफ लाइफ से भी इसको हम रिलेशन में देख सकते हैं। तो देखिएगा भाई, हमारे पास टी 75 क्या आया, हमारे पास टी 75 आया 3/4 ए नॉट अपॉन एन वन के आया है, ओके। और हमारे पास इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, टी 75 इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1/2 एन वन के, भाई इसको मैं लिख सकता हूं 3/2 1/2 3/4 हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। अब आप ये बताइए, ये जो टर्म हमारे पास है, ये वाला टर्म, ये क्या था, यही तो हमारे पास टी हाफ है, टी हाफ था क्या, टी हाफ हमारे पास यही था, ए नॉट अपॉन 2n1k था, गॉट इट, ये कितना था 2n1k था, तो ये कितना हो जाएगा, तो टी 75 ये हो जाएगा 3/2 और ये टी हाफ हो जाएगा, 3/2 टी हाफ हो जाएगा, और ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आपको ये ओरली पता होना चाहिए, टी 75 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा टी हाफ का, गॉट इट, ये बात हमें समझ में आ गई है। ये रिलेशन किसी भी लाइफ टाइम का आपसे रिलेशन पूछे आप यहां पे पता कर सकते हो। लेकिन इसको भी हम इजीली समझ सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं, जैसे कैसे, आप ये एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी, कोई भी हमारे पास दिया हो रिएक्शन ए टू बी, हाफ लाइफ इज 4 मिनट, कैलकुलेट द टाइम इन विच रिएक्शन विल बी 75% कंप्लीटेड, 90% कंप्लीटेड या फिर 100% कंप्लीटेड। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हमारे पास टी हाफ दिया हुआ है, टी हाफ दिया हुआ है 4 मिनट दिया हुआ है, और हमसे क्या क्या पूछा है, टी 75 पूछा है, हमारे पास टी 90 पूछा है, और टी 100 या टी 100 ही हमारे पास क्या है, टाउ है, 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाने का मतलब टी 100, ओके। तो ये इतनी सारी चीजें हमसे पूछा है। तो यहां पे भी देखिए, यहां पे भी जैसा मैंने कहा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन लीनियर चलती है, तो आप यहां से भी सारी चीजों कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से, जैसे कैसे, तो देखिएगा भाई हमारे पास, हमारे पास देखिएगा,
हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल कैलकुलेट कर लेना है कि 1% रिएक्शन कितने देर में होगी, 1% रिएक्शन कितने देर में होगी। जैसे कैसे देखिएगा, अब हमारे पास टी हाफ कितना है, टी हाफ है भाई 4 मिनट है, टी हाफ 4 मिनट है, मतलब क्या है 50% रिएक्शन कितने देर में कंप्लीट होती है, 4 मिनट, 50% रिएक्शन 4 मिनट में कंप्लीट होती है। आप इसमें से पता कर लो कि भैया 1% रिएक्शन कितने देर में कंप्लीट होगी, तो ये 4/50 मिनट में कंप्लीट होगी। ओके, क्योंकि आपको पता है 1% इतने टाइम में कंप्लीट होगा, किसी भी टाइम लेंथ में 1% में उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है, ये लीनियरली है। तो 1% आपको पता चल गया कि 4/50 मिनट में होगा, तब आपको जितने भी परसेंट पूछे, आपसे क्या पूछा है, T75 पूछा है, तो 75% कितने देर में रिएक्ट करेगा, तो ये 4/50 × 75। आपसे क्या पूछ ले, आपसे बोल दे भैया 90% कितने देर में रिएक्ट करेगा, तो बिल्कुल भाई 1 मिनट में 1% कितने देर में रिएक्ट कर रहा है, 4/50 में 1% कर रहा है, इसमें आप 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपसे 100 पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको पता है 4/50 मिनट में 1% कंप्लीट हो रहा है, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप किसी भी टाइम लिमिट को पता कर सकते हो यहाँ पे। Okay, यहाँ पे T75 हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हम यहाँ पे T75 को देखें तो कितना आ जाएगा, तो 25 × 50 और 25 × 75 = 2, ये कितना आ जाएगा भाई, ये 6 मिनट आ जाएगा। ओके, और मैं T100% को देखूं तो कितना आ जाएगा, तो ये 25 × 50 × 100 और ये हो गया 8 मिनट। ओके, और टी हाफ हमारे पास कितना है भाई, 4 मिनट। तो हमारे पास क्या आया, टी हाफ 4 मिनट, T75 कितना आया भाई हमारे पास 6 मिनट, और टाऊ या फिर T100 ये कितना आया है, 8 मिनट आया है। तो अब देखिए हमारे पास रिलेशन क्या था, हमारे पास रिलेशन ये था कि हमारे पास टाऊ क्या होता है भाई, टाऊ होता है 2 × T½, जो हमने डिराइव किया था इक्वेशन उससे आया था, तो टाऊ हमारे पास 2T½ ये हमारे पास है। अब देखिए टी हाफ कितना है 4 मिनट, टाऊ कितना है 8 मिनट, तो बिल्कुल भाई यहाँ पे 2 × 4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 8 मिनट आ जाएगा, तो हमारे पास ये 8 मिनट है। और हमने अभी डिराइव क्या किया था, हमने ये डिराइव किया था कि भैया जो T75 है ये कितना होगा, 3/2 होगा टी हाफ के। ओके, तो टी हाफ कितना है, ये 4 मिनट है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 मिनट। तो देखिए हमारे पास T75 6 मिनट आया है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, कोई भी आपको कंसंट्रेशन दिया हो दो टाइम के बीच में कि इतने टाइम में इतना कंज्यूम हो रहा है या फिर इतने टाइम में इतना परसेंटेज कंज्यूम हो रहा है, तो आप वहां से 1% निकाल लो कितने देर में कंज्यूम हो रहा है, उसके बाद जितना भी परसेंटेज आपसे पूछे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है कोई, एक सेकंड, हाँ मान लीजिए हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है कोई, और ये नियम सबके लिए अप्लीकेबल है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये सभी स्टोचियोमेट्री के लिए अप्लीकेबल है, ये सभी स्टोचियोमेट्री के लिए अप्लीकेबल है। अब मान लीजिए मैंने कोई रिएक्शन लिया और मैं कह दूं कि आपसे जो है 80% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होता है भाई, 24 मिनट में कंप्लीट होता है, 80% रिएक्शन 24 मिनट में कंप्लीट होता है, तो 10% कितने देर में होगा, 20% कितने देर में होगा, 50% कितने देर में होगा, 75% कितने देर में होगा, 90% कितने देर में होगा, 99% कितने देर में होगा, और 100% कितने देर में कंप्लीट होगा। तो हमारे पास भाई 80% होता है 24 मिनट में, तो अगर हमारे पास 80% 24 मिनट में हो रहा है, 80% 24 मिनट, तो 1% कितने देर में होगा, तो ये 24/80 मिनट में होगा। ओके, तब हम 1 मिनट, 1% हमारे पास आ गया है कितने देर में कंप्लीट होगा, तो हम सबके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें पता करना है 10% कितने देर में कंप्लीट हो रहा है, तो क्या करना है, 1% कितने देर में हो 24/80 में, तो इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने मिनट आ जाएगा। ओके, आपको 20% चाहिए, तो 1% कंप्लीट हो रहा है इतने मिनट में, आप 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने मिनट आ जाएगा। आपको चाहिए 50% रिएक्शन कितने देर में कंप्लीट हो रही है, तो 50% कितने देर में होगा भाई, 24/80 × 50 इतने मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। 75% चाहिए,
तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, आप यहां पे कर सकते हो 24 अपॉन 80 इंटू 75, यहां पे 24 अपॉन 80 इंटू 90, यहां पे 24 अपॉन 80 इंटू 99 पर से मल्टीप्लाई करो और 100 से भी मल्टीप्लाई कर दो. गॉट इट? तो इस तरीके से आप 1% पता कर लो कितने देर में कंप्लीट होगा. जितना परसेंट भी आपसे पूछे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई इतना परसेंट भाई इतने देर में कंप्लीट होगा. गॉट इट? तो ये विशेषता है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए. तो होप आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे आपका कमांड हो गया है. आप लाइफ टाइम किसी भी लाइफ टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे. हाफ लाइफ हो, लाइफ टाइम हो, या फिर उसके ऑर्डर से रिलेटेड हो आप कर लोगे, आप न्यूमेरिकल्स कर लोगे. ओके, ये बात हमारे पास हो गई है. अब जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इंपॉर्टेंट होता है वो होता है भाई इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो वेरियस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको हम बारी बारी सीखेंगे कैसे हमें ग्राफ्स मिलेंगे. तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले ग्राफ से. तो पहला अगर मैं ग्राफ हमें देखना हो किसके किसके बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम देखना हो, ए लिखिए या फिर ए टी लिखिए, कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगा उसको हमें ग्राफ चाहिए. ओके, तो देखिए भाई अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो कभी भी ग्राफ किससे के द्वारा प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं भाई एक इक्वेशन रहनी चाहिए हमारे पास. ओके, जैसे मान लीजिए हमने ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है, इधर मैं कर दूंगा टाइम और इधर मैं कर दूंगा कंसंट्रेशन. ओके, तो हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन होना चाहिए जो कंसंट्रेशन और टाइम को क्या करे, रिलेट करे. ओके, तो हमारे पास क्या कोई ऐसा इक्वेशन है, तो जी हाँ बिल्कुल है हमारे पास इक्वेशन. तो देखिएगा हमारे पास इक्वेशन क्या है, ए टी टाइम टी पे कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ए नॉट माइनस यहां पे के टी लिख दे रहा हूं मैं. ठीक है, मैं इस टाइप के रिएक्शन के लिए लेके चल रहा हूं. ठीक है, ए से बी के रिएक्शन के लिए हम जनरली ग्राफ में हम ऐसे ही लिखेंगे. ओके, कोई दिक्कत नहीं, अगर स्टोइचियोमेट्री चेंज होगा तो आप स्टोइचियोमेट्री यहां लगा लेना. ओके, तो इस ऐसा मान लीजिए इक्वेशन हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए. तो यहां पे ये किधर है भाई, ये किस, ये देखिए ये एक्स एक्सिस पे है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है. तो एक्स एक्सिस पे हमें टाइम रखना, वाई एक्सिस पे हमें क्या रखना है, कंसंट्रेशन रखना है. तो ये क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस पे जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये एक इंटरसेप्ट मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, इंटरसेप्ट मिलेगा और माइनस ये एम एक्स हो जाएगा. तो कुल मिला कि ये कैसी कहानी है, तो ये कहानी है वाई इज इक्वल टू सी माइनस एक्स टाइप का इक्वेशन है यहां पे. ओके, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कंसंट्रेशन वाई एक्सिस पे, टाइम एक्स एक्सिस पे. ओके, ये क्या है, इंटरसेप्ट है और ये क्या है हमारे पास, एम को बोलते हैं हम स्लोप बोलते हैं. ओके, तो देखिएगा भाई यहां पे हमारे पास कैसी कहानी होगी कुछ. तो देखिए अब ये ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा, तो ग्राफ स्टार्ट होता है भाई इंटरसेप्ट से. पहले हमें देखना इंटरसेप्ट हमें मिल रहा है क्या, तो इंटरसेप्ट जी हाँ बिल्कुल मिल रहा है हमारे पास, सी इंटरसेप्ट मिल रहा है. तो यहां पे ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ये कहीं यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि जब टाइम हमारे पास जीरो भी रहेगा तो हमारे पास इंटरसेप्ट रहेगा और यही क्या है हमारे पास, इनिशियल कंसंट्रेशन है. ओके, तो यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, ग्राफ क्या होगा, अब देखिए ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो यहां पे स्लोप देखिए आप, स्लोप कैसा हमारे पास, स्लोप कितना हमारे पास, तो स्लोप है हमारे पास माइनस एम या फिर क्या है, माइनस के है यहां पे. ठीक है, ये क्या है, स्लोप क्या है, माइनस के है. तो स्लोप हमारे पास नेगेटिव है तो ये ग्राफ हमारे पास नीचे की तरफ चलेगा और कुछ ऐसा ही हमें ग्राफ मिलेगा रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का. अब देखिए इसमें बहुत सारी बातें हमें सीखनी है, जैसे कैसे, अब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट है भाई हमारे पास इंटरसेप्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस यहां से ये जो रीजन है हमारे पास इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट बोलेंगे. और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, तो ये वैल्यू बराबर होगी इसके इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर. क्यों, क्योंकि अभी हमने रिएक्शन शुरू नहीं करी है, रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है, तो जो कंसंट्रेशन है ए का इस टाइम पे वो क्या है, उसका इनिशियल कंसंट्रेशन ही है और यही हमें क्या बताएगा, इंटरसेप्ट बताएगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है. दूसरी कहानी, ये जो स्लोप है, स्लोप, स्लोप किसको बताएगा हमारे पास, स्लोप क्या है हमारे पास, स्लोप किसको बताएगा, तो स्लोप बताएगा हमारे पास रेट कांस्टेंट को, स्लोप किसको बताएगा, रेट कांस्टेंट को. और स्लोप क्या चीज, के की वैल्यू, जो इसका वैल्यू है वो क्या बताएगा हमारे पास, रेट कांस्टेंट को बताएगा. क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए स्लोप क्या किसको बताएगा, रेट कांस्टेंट को बताएगा. और बाकी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये देखिए यहां पे ये तो कंसंट्रेशन पे काटा तो इनिशियल कंसंट्रेशन आएगा, ये तो
टाइम पे कट रहा है, टी पे, मतलब यहां से रिएक्शन चली और यहां पे रिएक्शन क्या हो गई, खत्म हो गई। यहां पे हमारे पास कंसंट्रेशन क्या बची इसके रिएक्टेंट की, जीरो बची है। तो जिस टाइम पे सारा का सारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए, ये टाइम क्या कहलाएगा, इस रिएक्शन का लाइफ टाइम कहलाएगा। तो इस ग्राफ में इतनी सारी बातें थी। इंटरसेप्ट से हमें क्या मिलेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन मिलेगा, और स्लोप से हमें क्या मिलेगा, रेट कॉन्स्टेंट मिलेगा। ओके, गॉट इट। अब देखिए इसमें क्या है, ये प्लॉट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे प्रॉब्लम पूछ सकता है आपसे। प्रॉब्लम कैसे पूछेगा, तो इसको आप देखिए यहां पे। जैसे आप इस प्रॉब्लम को देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी दिया हुआ है, द प्लॉट बिटवीन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम गिव्स द स्लोप इतना दिया हुआ है और इंटरसेप्ट हमारे पास इतना दिया हुआ है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 5 मिनट्स। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, पहले हमें ग्राफ को देखना पड़ेगा। तो हमने यहां पे भाई ग्राफ प्लॉट किया, रिएक्शन ए टू बी है, इसकी कंसंट्रेशन है और यहां पे हमारे पास टाइम है, और हमारे पास क्या होगा, ऐसे कुछ मिलेगा, ऐसे प्लॉट मिलेगा। तो प्लॉट मिलेगा, तो ये जो है इंटरसेप्ट हमारे पास यहां पे है, और ये किसकी वैल्यू देगा हमें, ए नॉट की वैल्यू देगा। ओके, और यहां से इसका जो स्लोप है, स्लोप किसकी वैल्यू देगा, रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू देगा। तो इंटरसेप्ट कितना है भाई, इंटरसेप्ट क्या है, ए नॉट है, और इसकी वैल्यू कितनी है, इंटरसेप्ट कितना है भाई, 2 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर, ये तो इंटरसेप्ट हो गया है। और हमारे पास स्लोप, स्लोप कितना है, स्लोप होगा हमारे पास किसके बराबर, के के बराबर। ओके, स्लोप के बराबर, मतलब स्लोप क्या, स्लोप का मैग्नीट्यूड वो नेगेटिव है क्योंकि स्लोप नीचे जाएगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही होगा। तो के की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो ये हमारे पास है 0.3 मोल पर लीटर पर मिनट दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है कि ए की कंसंट्रेशन 5 मिनट बाद कितनी होगी, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है भाई ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, है ना, ए नॉट माइनस के टी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट की कितनी वैल्यू है भाई, 2 मोल पर लीटर इंटू के की वैल्यू कितनी है, 0.3 मोल पर लीटर पर मिनट इंटू टाइम कितना है, कितने समय बाद पूछ रहा है, तो 5 मिनट बाद पूछ रहा है, तो टाइम यहां पे 5 मिनट हो जाएगा। ये हो गया। तो अब देखिए यहां पे भाई हमारे पास, अब ये मिनट से मिनट इनवर्स कैंसिल हो गया, बचा कितना, 2 माइनस 5 15 मोल पर लीटर, तो कितना बचेगा, ये 0.5 मोल पर लीटर। तो 5 मिनट बाद कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, 0.5 मोल पर लीटर। तो ये ग्राफ से हमारे पास रेट आ गया, स्लोप से हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन आ गई, सॉरी इंटरसेप्ट से, और स्लोप से हमारे पास रेट कांस्टेंट आ गया है। गॉट इट। तो ऐसे हम चीजों को कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफ देखिए, नेक्स्ट प्लॉट देखिए। अगली ग्राफ से बढ़ने से पहले इसी में एक थोड़ा सा और देख हम वेरिएशन कर लेते हैं। वेरिएशन ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी रिएक्शन दे दे N1A से B, अगर मान लीजिए स्टोइकोमेट्री हमारे पास 1 से ज्यादा है, तो उस केस में जो ग्राफ प्लॉट होगा, ये हमारे पास A T, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये टाइम हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस N1KT हो जाएगा। ओके, तो यहां पे देखिए इंटरसेप्ट ये हो जाएगा, ए नॉट ही रहेगा इंटरसेप्ट। ओके, लेकिन जब मैं स्लोप की बात करूंगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्लोप। स्लोप क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, एन के हो जाएगा। स्लोप क्या है, एन के हो जाएगा। और नेगेटिव साइन क्यों, नेगेटिव डायरेक्शन बताएगा कि स्लोप हमारे पास नीचे की तरफ जाएगा। ओके, तो यहां पे देखिए स्टोइकोमेट्री चेंज होगा, तो स्लोप में स्टोइकोमेट्री इंक्लूडेड रहेगा। तो अगर यहां से, अगर मान लीजिए आपको ऐसा दे दे, ये इक्वेशन दे दे, और यहां से आपको दे दे स्लोप हमारे पास है 0.8 मोल पर लीटर पर मिनट है, ठीक है, ये स्लोप दे दे इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए। ओके, तो हमारे पास यहां पे क्या होगा, मतलब एन के की वैल्यू है 0.8 मोल पर लीटर पर मिनट है, तो यहां से हम के की वैल्यू के लिए हमें 0.8 में जो भी स्टोइकोमेट्री होगी डिवीजन हमें करना पड़ेगा। गॉट इट। तो भाई जो स्टोइकोमेट्री रहेगी वो स्लोप में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट प्लॉट देखिए। नेक्स्ट प्लॉट है प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। क्या भाई हमारे पास, नेक्स्ट प्लॉट प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का यहां पे दिया हुआ है। तो
तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए भाई, हमें कोई, मैं जनरली अब यही इक्वेशन लेके चल रहा हूँ, इक्वेशन हमारे पास रिलेशन यही रहेगा ए टू दी बी, क्यों, क्योंकि आगे वाले ग्राफ हमें सिर्फ समझने हैं। तो ए टू दी बी रहा, तब हमें ऐसा कोई इक्वेशन चाहिए जो प्रोडक्ट को किससे भाई टाइम से रिलेट कर सके। तो प्रोडक्ट को हम टाइम से कैसे रिलेट करा सकते हैं, तो देखिएगा अगर ये हमारे पास रिएक्शन है तो हमने टी बराबर जीरो पे क्या लिया था इसका, मान लीजिए जो भी लिया हो ए नॉट मोल लिया था, ए नॉट मोल लिया था, और टाइम टी बराबर टी पे क्या हुआ, ये ए नॉट में से एक्स ब्रेक हुआ और प्रोडक्ट कितना बन गया, एक्स मोल यहां पे बन गया है। और हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी है, और ये जो हमारे पास आया आइटम यही क्या है हमारे पास, यही तो कंसंट्रेशन है एट टाइम टी भाई, इतना था, इतना रिएक्ट हो गया, इतना बचा हुआ है। अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूं तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पे आ जाएगा x इज इक्वल टू के टी आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी आ जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया, पीछे भी हमने देखा है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन किसके टर्म में चलेगा, के टी के टर्म में चलेगा। तो हमारे पास इस प्लॉट के लिए, प्रोडक्ट वर्सेस टाइम के लिए हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है, ये क्या है, ये प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है, क्यों, क्योंकि x है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, और ये क्या है मेरे पास, ये टाइम है। तो अगर मुझे इसके बीच प्लॉट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, इसके बीच प्लॉट करना हो तो हम कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। ये है हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ओके, और ये है मेरे पास टाइम, और इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है x इज इक्वल टू के टी है मेरे पास। तो हमें प्रोडक्ट को किधर रखना है, वाई एक्सिस पे, टाइम को रखना है एक्स एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाएगा, वाई बराबर एम एक्स टाइप का इक्वेशन है यहां पे। तो यहां पे कोई इंटरसेप्ट तो है नहीं, कोई इंटरसेप्ट है नहीं, तो मतलब ग्राफ कहां से शुरू होगा, ग्राफ शुरू होगा ओरिजिन से, ओके। और स्लोप कैसा है यहां पे, स्लोप कैसा है, तो स्लोप है पॉजिटिव, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा और हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ मिल जाएगा, ओके, ऐसा ग्राफ हमारे पास मिल जाएगा। तो जैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू होगी तो ऐसे बढ़ेगा 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 और एक जगह जाके कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का रुक जाएगा। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किस जगह रुकेगी, जहां पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, हाँ या ना, जहां पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे हमारे पास प्लॉट आ गया है, तो देखिएगा भाई, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई यहां पर जाके ग्राफ रुक गया है और यहां पर क्या हो गई, रिएक्शन ये कंप्लीट हो गई है। तो जहां पर ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, एक पॉइंट ये है, और जिस टाइम पे कंप्लीट हो रही है रिएक्शन, ये है पॉइंट। हालांकि ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रुक गई, बढ़ नहीं रही है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो जिस टाइम पे रिएक्शन कंप्लीट होगा, ये टाइम क्या हो जाएगा, रिएक्शन का लाइफ टाइम हो जाएगा, है ना। तो टाइम पे जहां पे कट करेगा, ये यहां पे टाइम हो जाएगा। और ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, तो देखिएगा भाई ये पॉइंट क्या होगा, उसको समझने के लिए देखिए। जैसे मान लीजिए मैं, हमारे पास रिएक्शन है ए से बी, ओके, यहां पर हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी है ए नॉट, ओके, और मैंने जब यहां पे टी बराबर जीरो पे जब मैंने रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो यहां पे क्या बचेगा, ये कुछ नहीं बचेगा, ये कुछ नहीं बचेगा। और ए नॉट की वैल्यू आप मान लीजिए दो मोल पर लीटर है, ए नॉट की वैल्यू मान लीजिए दो मोल पर लीटर है, तो आपने जब लाइफ टाइम उसका 10 मिनट 20 मिनट हो गया तो आपने देखा कि यहां पर कुछ नहीं बचा है, तो प्रोडक्ट कितना बना होगा, प्रोडक्ट कितना बना होगा, तो इसके एक मोल से इसका एक मोल बन रहा है, तो इसका टोटल इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, दो मोल, तो प्रोडक्ट भी कितना बनेगा, दो मोल ही बनेगा। मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो बी की कंसंट्रेशन में क्या रख सकता हूं, ए नॉट के बराबर रख सकता हूं, क्यों, क्योंकि जितना ये था ये सारा खत्म हो गया और जितना ये था इतना ही हमारे पास बी बन गया है, ओके। तो ये कंसंट्रेशन, और ये क्या है, और ये क्या है, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी है, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी है इस रिएक्शन के लिए, कि जितना रिएक्टेंट था उतना ही प्रोडक्ट बन जाएगा, मतलब रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो गई और इसके आगे प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, तो ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी है। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट भी यहां पर ए नॉट को ही बताएगा, गॉट इट। शुरू में प्रोडक्ट क्या था, जीरो था, क्यों, क्योंकि रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई, तो यहां पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जीरो था, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता बढ़ता गया और कहां पहुंच गया, रिएक्शन फाइनल हो गई, तो जितना रिएक्टेंट था वो सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है और ये टाइम क्या हो जाएगा, लाइफ टाइम हो जाएगा। होप आप इस प्लॉट को भी समझ गए होंगे, बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लॉट देखिए हमारे पास है रेट वर्सेस टाइम, कि रेट वर्सेस टाइम का प्लॉट हम कैसे करें। तो देखिएगा भाई हमारे पास भी यहां पर क्या चाहिए, हमारे पास यहां क्या चाहिए, जो ऐसा इक्वेशन जो क्या करे, रेट को टाइम के साथ रिलेट कर सके, ओके, रेट को टाइम के साथ रिलेट कर सके।
तो ऐसा इक्वेशन हम लाए कहां से, ऐसा इक्वेशन हम लाए कहां से, तो हमारे पास ये पता है कि यहां पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट क्या होता है, हमारे पास रेट होता क्या है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और ए की कंसंट्रेशन की पावर जीरो पे डिपेंड करता है। ओके, तो यहां पे हमारे पास रेट इज इक्वल टू के, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको मैं लिख सकता हूं ए नॉट माइनस के टी, है ना भाई, ये क्या है, एट टाइम टी ही तो है, उसकी पावर जीरो पे है, तो ए टी किसके बराबर होता है, ए नॉट माइनस के टी, इसके ऊपर मैं जीरो लगा दूं। तो अब देखिए, अब रेट और टाइम को रिलेट करने के लिए इक्वेशन आ गया है, लेकिन क्या है इस इक्वेशन की पावर क्या है, टाइम की पावर क्या है, जीरो है, टाइम की पावर क्या है, जीरो है, तो कुल मिला के रेट क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के बराबर ही आ जाएगा, और ये रेट क्या होगा, इसका टाइम इंडिपेंडेंट होगा, वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करेगा। और हम जानते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। तो अगर यहां पे हमें प्लॉट करना हो तो हम क्या काम करेंगे, तो यहां पे प्लॉट हमें करना हो तो यहां पे रखूंगा मैं रेट और यहां पे हम रखेंगे टाइम, तो हमें पता है कि इसका रेट चेंज ही नहीं होगा, तो जो भी रेट शुरू में रहा होगा, जो भी रेट शुरू में रहा होगा, यहां पर अगर मान लीजिए ये रेट था शुरू में, अगर एक रेट है तो यही रेट चलता रहेगा, ये टाइम के साथ क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, रेट टाइम के साथ चेंज नहीं होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट प्लॉट देखिए, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो हमें कैसा चाहिए, ऐसा टर्म चाहिए जो रेट को क्या कर सके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से रिलेट कर पाए। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा इक्वेशन है, हमारे पास ये इक्वेशन है, रेट इज इक्वल टू के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर जीरो। तो ये तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करता रेट इसका। ओके, इसका रेट क्या आ जाएगा, रेट फिर से के बराबर आ जाएगा। तो हमें पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप कितना भी कंसंट्रेशन चेंज कर लो, रेट चेंज ही नहीं होगा। तो इसके लिए भी प्लॉट कैसा आ जाएगा, यहां पे आप रख दीजिए रेट और यहां पे रख दीजिए कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, तो ये भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि वो रेट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा रेट। ओके, तो ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ऐसा इक्वेशन हमें चाहिए जो रेट को क्या कर सके, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से रिलेट कर सके। तो ऐसा हमारे पास इक्वेशन है क्या कोई, हमारे पास रेट से तो रिलेटेड यही इक्वेशन है कि रेट इज इक्वल टू के ए नॉट, सॉरी ए की पावर जीरो। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए नॉट माइनस एक्स लिख सकता हूं। ओके, ए नॉट माइनस एक्स लिख सकता हूं ए को, और यही एक्स क्या था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यही एक्स क्या था, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। तो जी हाँ, हमने ए को जो है ए नॉट माइनस एक्स लिख दिया है, तो रेट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का रिलेशन आ गया है। बट इसकी पावर है क्या, इसके पावर तो जीरो ही है, इसके पावर तो जीरो ही है। तो जब रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, अगर यहां पे मैं लिखूं रेट और यहां पे लिखूं मैं कंसंट्रेशन किसका, प्रोडक्ट का, तो कोई चेंज नहीं आएगा रेट में, रेट क्या रह जाएगा, कॉन्स्टेंट ही रह जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट ही रह जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। गुड, समझ गए आप इसको भी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये वाला इंपॉर्टेंट है, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। प्लॉट हमें किसके किसके बीच चाहिए, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हमारे पास एक इक्वेशन होना चाहिए जो टी हाफ को इनिशियल कंसंट्रेशन से रिलेट कर पाए। तो वो कौन सा प्लॉट है भाई, तो ये है टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन ये टू के, और मैं इसी के लिए बात कर रहा हूं, जनरली ए से बी के लिए ही बात कर रहा हूं। ओके, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू के। तो यहां पर हम कैसे लिख सकते हैं इसको, टी हाफ बराबर ये वन अपॉन टू के इंटू ए नॉट। तो हमें ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है ऐसे, इधर रखना है टी हाफ, इधर क्या रखना है ए नॉट रखना है। तो देखिए भाई, ये क्या है, ये वाई एक्सिस पे चला जाएगा, ये एक्स एक्सिस पे चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, स्लोप हमारे पास हो गया, इसमें कोई इंटरसेप्ट है नहीं। तो मतलब प्लॉट शुरू कहां से होगा, तो ग्राफ हमारे पास शुरू होगा, ग्राफ शुरू होगा ओरिजिन से, और ये कुछ ऐसे जाएगा, और स्लोप यहां पे देखिए पॉजिटिव है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये स्लोप क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू के हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू के हो जाएगा। ओके, और अगर आप ऐसी कोई रिएक्शन हो एन वन ए से बी के लिए हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, टी हाफ, टी हाफ हो जाएगा
वन अपॉन टू एन वन के और यहां पे ए नॉट, तब यहां पे स्लोप क्या हो जाएगा, तब यहां पे स्लोप हमारे पास सिंपली वन अपॉन टू के की जगह स्लोप क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू एन वन के हो जाएगा. गॉट इट. तो ये सिंपल सा ये ग्राफ था. देखिए एक और इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और ये ग्राफ किसके बीच है, तो ये ग्राफ है भाई लॉग ए नॉट, सॉरी लॉग टी हाफ वर्सेस लॉग ए नॉट के बीच का ग्राफ है. ये ग्राफ थोड़ा सा समझने के लिए जरूरी है, क्यों है तो इजी, बस यहां पे थोड़ी कंडीशंस आ जाएंगी. तो देखिए कैसे, अब लॉग टी हाफ वर्सेस लॉग ए नॉट के बीच आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक इक्वेशन चाहिए. तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है टी हाफ इज इक्वल टू क्या है, ए नॉट इंटू वन अपॉन टू के है. ये है हमारे पास टी हाफ के लिए. तो हम क्या करें, इसका दोनों तरफ लॉग ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग टी हाफ इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, लॉग ए नॉट हो जाएगा. ओके, और ये टू के क्या है, किसमें है भाई, डिवीजन में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग टू के यहां पे हो जाएगा. भाई लॉग ऐसे ही ओपन होता है, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो ये लॉग ए प्लस, और टू के क्या है, नीचे है डिवीजन में है, तो उसको ऊपर लाने के लिए हमें माइनस लॉग टू के करना पड़ेगा. अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, जो किसको रिलेट कर रहा है, जो किसको रिलेट कर रहा है, लॉग टी हाफ को किससे, लॉग ए नॉट से. तो इस ग्राफ में है क्या, देखिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है किसके किसके बीच. ये है भाई लॉग टी हाफ और ये क्या है मेरे पास, लॉग ए नॉट के बीच. ओके, तो लॉग टी हाफ और लॉग ए नॉट के बीच ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा वाई, ये लॉग ए नॉट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, और चूंकि यहां पे कोई स्लोप है नहीं, तो स्लोप क्या रहेगा, एक ही रहेगा, स्लोप एक ही रहेगा, जैसे y बराबर mx है, तो यहां पे क्या है, लॉग a नॉट के ही बीच हमें करना है, तो यहां पे क्या वैल्यू हो जाएगी, स्लोप की वैल्यू एक हो जाएगी. क्यों, क्योंकि यहां पे स्लोप की जगह हमारे पास सिर्फ एक ही है, किसी कांस्टेंट से ये मल्टीप्लाई नहीं है. ओके, और ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास इंटरसेप्ट है. गॉट इट. तो अब यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास तीन केसेस बनेंगे इस इंटरसेप्ट को लेकर. ओके, पहला केस कौन सा है, तो देखिएगा अब हमारे पास इक्वेशन यही है, तो देखिए यहां पे आपको ये पता होगा कि जो हमारे पास अगर लॉग मेरे पास जीरो है, तो लॉग जीरो की क्या वैल्यू आती है, एक आती है. ओके, लॉग जीरो की वैल्यू क्या आती है भाई, हमारे पास एक आती है. और यहां पे अगर हमारे पास लॉग की वैल्यू छोटी है एक से, मतलब डेसिमल में, अगर मैं 0.2 की बात करूंगा डेसिमल में, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव में आती है. और अगर हमारे पास लॉग की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर कोई टर्म जो है यहां पे मैं बोलूं 2.4, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी. मतलब अगर वैल्यू, अगर देखिए अगर हमारे पास वैल्यू एक से छोटी है, लॉग में एक से छोटी वैल्यू है, तो वो वैल्यू नेगेटिव आएगी, और एक से बड़ी है तो क्या आएगी, हमारे पास पॉजिटिव आएगी. और लॉग जीरो है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास एक आएगी. या फिर लॉग एक की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, लॉग एक की क्या वैल्यू आती है, हमारे पास जीरो आती है, लॉग एक बराबर जीरो होता है. तो यहां पे तीन कंडीशन ये बन सकता है कि अगर देखिए यहां पे, अगर ये मेरे पास जो 2k आया है, अगर ये एक से छोटा हो जाए तो क्या होगा, अगर 2k आया है एक से छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास दिक्कत ये आ जाएगी कि अब हमारे पास जो ये है log t half is equal to log a naught minus log 2k है. ओके, तो अगर इसकी वैल्यू एक से छोटी हो जाएगी, तो ये मतलब 2k की वैल्यू एक से छोटी है, तो अगर 2k की एक से वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो ये जो टर्म है, ये टर्म किस में आ जाएगा, हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा. ये वाला लॉग वाला टर्म हो जाएगा नेगेटिव में, अगर इसकी वैल्यू एक से छोटी है तो, और ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो बाहर नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा इंटरसेप्ट. समझ रहे हो आप, लॉग में अगर एक की वैल्यू छोटी, वैल्यू एक से छोटी हुई, तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव होगा, तो बाहर नेगेटिव लगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और कुल मिलाकर जो इंटरसेप्ट है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, अब देखिए यहां पे दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि अगर हमारे पास जो 2k है इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो, 2k है 1 के बराबर हो, तो यहां पे हमारे पास क्या है, तो इस केस में हमारे पास ये है कि log t हाफ बराबर log a नॉट, और ये क्या हो जाएगा, माइनस log 1 हो जाएगा.
टू के की वैल्यू एक के बराबर है तो एक हो जाएगा, तो लॉग एक की वैल्यू क्या होती है भाई, जीरो होती है, लॉग एक की वैल्यू जीरो, तो लॉग टी हाफ क्या हो जाएगा, लॉग ए नॉट हो जाएगा और इसमें कोई इंटरसेप्ट नहीं आएगा। ओके, तीसरी कहानी देखिए, तीसरी कहानी है भाई हमारे पास, तीसरी कहानी यह है कि अगर 2k की वैल्यू एक से बड़ी हो जाए, 2k की वैल्यू क्या हो जाए, एक से बड़ी हो जाए, तो यहां पे हमारे पास है log t half is equal to log a naught minus log 2k हो जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू एक से बड़ी है तो ये जो टर्म है log वाला ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और यहां पे इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो इसका मान लीजिए, मैं मान लेता हूं इसकी वैल्यू है c, तो ये टर्म क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log a नॉट माइनस c आ जाएगा, माइनस c आ जाएगा, तो इंटरसेप्ट क्या हो गया है, नेगेटिव आ रहा है। तो इंटरसेप्ट नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि अब वो वाई एक्सिस पर नहीं जाएगा, वाई एक्सिस पर नहीं जाएगा। तो तीन कहानी देखिए भाई, तीन कहानी देखिए। पहली कहानी है हमारे पास कि जब क्या है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, मतलब क्या है, 2k की वैल्यू एक से छोटी है। तो इस केस में जो प्लॉट आएगा वो प्लॉट कैसा होगा, लॉग टी हाफ और लॉग ए नॉट। तो ये तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, हमारे पास यहां पे बढ़िया सा प्लॉट आएगा, ये पॉजिटिव आएगा और हमारे पास प्लॉट कुछ ऐसे आ जाएगा, ये प्लॉट क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और स्लोप यहां पे क्या रहेगा, स्लोप एक ही रहेगा, स्लोप क्या रहेगा, स्लोप इसका एक रहेगा, स्लोप क्या रहेगा, एक रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके आगे कुछ लगा नहीं है, लॉग ए नॉट पूरा हमें लेना है, तो स्लोप एक रह गया है, तो ये ऐसे हो जाएगा। और अगर अगर दूसरा केस है हमारे पास कि 2k बराबर एक है तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हमारे पास हो गया जीरो हो गया। तो इंटरसेप्ट जीरो हो जाने का क्या मतलब है कि भैया ये प्लॉट है मेरे पास लॉग टी हाफ और ये है मेरे पास क्या है, लॉग ए नॉट है, ये लॉग ए नॉट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास इंटरसेप्ट तो है ही नहीं, इंटरसेप्ट नहीं है तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा भाई, इंटरसेप्ट नहीं है तो ग्राफ हमारे पास ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा, और इसका भी स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप एक हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेप्ट नहीं है इसमें। अगर 2k बराबर 1 के आ गया तो हमको पता था कि log 1 की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो इंटरसेप्ट नहीं रहेगा वहां पे और ये ओरिजिन से जाएगा। और तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन थी, तीसरी कंडीशन कि भैया अगर 2k से 1 की वैल्यू 1 से बड़ी हो 2k की वैल्यू, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट क्या आया था हमारे पास, नेगेटिव आया था। तो इंटरसेप्ट नेगेटिव आने का ये मतलब है कि अगर यहां पे आप लॉग टी हाफ रखते हो और यहां पे आप लॉग ए नॉट रखते हो, तो पता है प्लॉट कहां से स्टार्ट होगा, तो प्लॉट कहीं यहां से स्टार्ट होगा, एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा, एक्स एक्सिस प्लॉट विल स्टार्ट फ्रॉम एक्स एक्सिस, और इसमें कहां से स्टार्ट होगा, यहां से ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ओके, और यहां पे कहां से स्टार्ट होगा, यहां पे स्टार्ट होगा पहले वाले केस में वाई एक्सिस से। ओके, तो अगर मैं इस प्लॉट को समराइज करूं तो यहां पे लिखूं मैं लॉग टी हाफ और यहां पे मैं लिखूं लॉग ए नॉट। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, तो हमारे पास प्लॉट यहां से स्टार्ट हो सकता है, प्लॉट यहां से स्टार्ट हो सकता है, या फिर प्लॉट कहीं से एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो सकता है। यहां से कब स्टार्ट होगा, यहां से कब स्टार्ट होगा, जब 2k की वैल्यू एक से छोटी हो, यहां पे जब 2k की वैल्यू एक के बराबर हो, और यहां पे जब 2k की वैल्यू एक से बड़ी हो। समझ गए, तो ये ग्राफ थोड़ा सा बढ़िया था, वहां पे दो वैल्यूज को देखना था, 2k की वैल्यू किसके बराबर आती है। तो इतनी ही कहानी थी भाई हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हमने सब कुछ पढ़ लिया है,
बहुत ही सिंपल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सीधा साधा चलता है, बिल्कुल परेशान नहीं करता है। तो आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन को सीखिए, प्लॉट्स को सीख लीजिए, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमें इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा मैं, हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, असाइनमेंट के प्रॉब्लम्स, ओके। फिर हम नेक्स्ट क्लास में शुरू कर देंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काफी बड़ी है, उसको प्रेशर के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में, ओके, और लाइट के रोटेशन के टर्म्स में, बहुत सारे टर्म्स में पढ़ना होता है। रेडियो एक्टिविटी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, तो रेडियो एक्टिविटी भी फर्स्ट ऑर्डर में आ जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर थोड़ा सा लंबा चलेगा, फिर सेकंड ऑर्डर भी हमारे पास छोटा सा ही है, उसके बाद हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे। तो होप आप इसको एंजॉय करिए, थ्योरीज को देखिए, क्वेश्चंस को करिए, और जहां से भी आपको जीरो ऑर्डर क्वेश्चन मिले उसको करिए। नेक्स्ट क्लास में तो मैं कराऊंगा ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, प्रॉब्लम्स हम करेंगे जीरो ऑर्डर के, और हम बढ़ जाएंगे किधर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।